Friends, our YouTube channel Easy to Live. I am Sanjeev Skotra with you with a new topic, type of irrigations. So friends, कल हमने पढ़ा था irrigations के बारे में, introductions में पढ़ा था कि benefits क्या होते हैं इसके और ये इसकी necessities क्या है. अब कल का तो topic clear हो गया कि हमारे पास introductions हो गई, irrigation system ये चीज़ है. अब आज पढ़ेंगे कि types of irrigation. इरिगेशन तो पढ़ लिया है, हाँ इरिगेशन से होता है क्रॉप को रेज करने के लिए, बट इसमें इरिगेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि इंजीनियरिंग है, पूरी साइंस है, तो सारी की सारी इसके ऊपर बेस्ड है. तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम की अगर बात करें हम, इरिगेशन सिस्टम फर्दर क्या क्या क्लासिफाइड किया गया है टू ग्रुप्स में. एक मेरे पास है फ्लो इरिगेशन और दूसरा मेरे पास आता है लिफ्ट इरिगेशन. ओके, ये फर्दर फिर क्लासिफाइड किए गए हैं फ्लो इरिगेशन. ये मेरे पास आता है डायरेक्ट इरिगेशन. दूसरा मेरे पास आता है स्टोरेज इरिगेशन और तीसरा आता है कंबाइंड. डायरेक्ट में क्या चीज होगी, डायरेक्ट में एक सीधी रिवर होगी, रिवर में हम वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे आप इसमें मैं आपको बताता हूं वायर आ गया. और स्टोरेज में क्या होगा, डैम, वाटर को तो हम डैम में स्टोर करेंगे. और कंबाइंड सिस्टम में क्या हो गया, वायर एंड डैम. ये चीज होगी मेरे पास फ्लो इरिगेशन में, सिर्फ एक पार्ट में. अगर मैं लिफ्ट इरिगेशन की बात करता हूं तो लिफ्ट इरिगेशन क्या है, लिफ्ट इरिगेशन में फर्दर क्लासिफाइड की गई है वैली इरिगेशन और कैनल लिफ्ट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लिफ्ट कैनल. ये मेरे पास होगी स्टोरेज इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन और कंबाइंड इरिगेशन. फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं डायरेक्ट और वायर की. तो वायर में हमारे पास क्या चीज होगी, डायरेक्ट इरिगेशन उन एरियाज में की जाती है जहां पे वाटर पेरेनियल रिवर्स होती हैं, जहां पे वाटर थ्रू आउट द ईयर जो है वो अवेलेबल रहता है. तो वहां पे हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट सिस्टम मींस डायरेक्ट इरिगेशन. डायरेक्ट इरिगेशन से मैंने जैसे आपको डायग्राम बनाई हुई है, डायरेक्ट इरिगेशन में क्या है, ये मेरे पास एक रिवर है, रिवर का वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, आ रही रिवर आ रही है डाउन स्ट्रीम. तो ये मैंने क्या कर दिया, बीच में एक वायर मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो वायर कंस्ट्रक्ट करके मैं क्या करता हूँ, राइट साइड भी इरिगेट कर सकता हूं और लेफ्ट साइड भी इरिगेट कर सकता हूं. तो ये मेरे पास राइट मेन कैनाल है, ये मेरे पास लेफ्ट मेन कैनाल है. ये हो गया डाइवर्जन हेड वर्क. मैं जहां पे एक वायर कंस्ट्रक्ट कर देता हूं सो दैट मैं हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करके लेफ्ट स्ट्रीम को भी इरिगेट कर पाऊं और राइट स्ट्रीम को भी इरिगेट कर पाऊं. तो दिस सिस्टम इज नोन एज डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम. ओके, तो हम अभी बात करते हैं स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम की. स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक रिवर है, रिवर के वाटर को स्टोर कर दिया रिजर्वायर में. ठीक है, जैसे ये मैंने अब जो सामने देख रहे हैं, ये मैं एक जो स्टोरेज हार्ड वर्क हो गया कि मैंने जहां पे एक वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है, पूरा का पूरा वाटर जहां पे है और उसके बाद रेगुलेट कर दिया इरिगेशन आउटलेट है. ये मेरे पास लेफ्ट मेन कैनाल इरिगेशन आउटलेट है, ये मेरे पास राइट मेन कैनाल है और ये वाटर थ्रू ऐसे जा रहा है जैसे हमने डक्ट मेन सिस्टम में पढ़ा था. ये जो स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम की नीड क्यों आई और ये कहां पे यूज किया जाता है, स्टोरेज इरिगेशन वहां पे यूज होती है जहां पे नॉन पेरेनियल्स रिवर फ्लो करती है, क्योंकि जहां पे वाटर हमारे थ्रू आउट द ईयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक किसी रिवर को एक रिजर्वायर क्योंकि वहां पे हम वाटर को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर को फ्लो करवाएंगे. सो दिस इज योर स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम, बट दिस सिस्टम इज मच एक्सपेंसिव देन योर डक्ट इरिगेशन सिस्टम. क्योंकि डक्ट इरिगेशन में क्या है, रिवर है डायरेक्टली क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, हमने एक सिंपल सा वायर कंस्ट्रक्ट करा हुआ. बट जहां पे रिजर्वायर भी बनाना है तो रिजर्वायर की प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सारी की सारी कॉस्ट आएगी. सो ये जो इरिगेशन सिस्टम है नॉन पेरेनियल टाइप ऑफ रिवर्स में आता है, कैनाल्स में आता है और डायरेक्ट जो है वो पेरेनियल्स में आता है. ओके, तो अभी हम कंबाइंड इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं. पहले हमने क्या कवर किया, डायरेक्ट इरिगेशन किया, स्टोरेज इरिगेशन किया.
अब हम बात करते हैं कंबाइंड इरिगेशन सिस्टम में। कंबाइंड इरिगेशन सिस्टम में क्या चीज होगी, ये मेरे पास रिवर है, ठीक है, रिवर फ्लो पड़ रही है, मैंने उसका वाटर को क्या किया, स्टोर किया, और मैंने क्या किया कि डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉन पेरिनियल सिस्टम है, हमारे पास वाटर थ्रू आउट द ईयर तो अवेलेबल रहता नहीं है। बहुत सारी कम ऐसी रिवर्स हैं जो पेरिनियल रिवर्स हैं, बट मोस्टली हमारे इंडिया में नॉन पेरिनियल रिवर्स या कैनल्स प्रोवाइड हैं। तो उस सिस्टम में हमने क्या करा, एक स्टोरेज हेडवर्क रेडी कर दिया, ये हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके बाद फिर हमने क्या करा, रिवर निकाली। रिवर से फिर हमने राइट मेन कैनाल निकालनी है या राइट लेफ्ट मेन कैनाल निकालनी है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इरिगेशन। तो इस सिस्टम में ये प्रोविजन है कि पहले हम एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, डैम के बाद फिर उससे हम एक रिवर निकालेंगे, अब रिवर से हमें जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उस तरीके से ये प्रोवाइड कर देंगे। ज्यादातर ये यूज किया था मोस्टली मोर कमांडेंट कल्चरेबल कमांडेंट एरिया में, और हम देखते हैं कि सूटेबल साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कि जहां पे डैम अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट हो पाए तो उस जगह पे हम ये प्रोवाइड करते हैं कंबाइंड इरिगेशन सिस्टम। ओके, तो हमारे पास सेकंड इरिगेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट था लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन से मेरे पास टू टाइप की इरिगेशन आती है, वैली इरिगेशन और लिफ्ट कैनाल इरिगेशन। बेल इरिगेशन सिस्टम में क्या चीज होती है कि हम एक बेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक बेल खोदन डी करेंगे, वहां पे अगर पहले जेत देखेंगे कहां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है और हम जहां पे अच्छा डिस्चार्ज वो प्रोवाइड कर सकता है। बेल इरिगेशन एक बेल कंस्ट्रक्ट कर दिया, बेल के थ्रू हम फिर क्या करेंगे, बाय पंपिंग या लिफ्टिंग के थ्रू हम बेल से पानी लेंगे, वाटर लेंगे और वो डिस्चार्ज करवाएंगे कहां पे, लैंड को। दिस इज योर बेल इरिगेशन। लिफ्ट कैनाल, तो लिफ्ट कैनाल सिस्टम में क्या है कि हमारी मान लो एक कैनाल है वो डाउन स्ट्रीम में है, सरफेस से थोड़ा डाउन है, तो वहां पे क्या चीज होगी कि लिफ्ट कैनाल वहां से हमने पंपिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करेंगे, वाटर को पंप अपलिफ्ट करा और फिर एक मेन स्ट्रीम में फ्लो करवाएंगे। सो दिस इज अवर लिफ्ट इरिगेशन। ओके, सो दिस इज योर लिफ्ट इरिगेशन। इसका अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म से मैं अगर इसको डिफाइन करें तो लिफ्ट इरिगेशन वो चीज होती है जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल कम होता है या ग्राउंड वाटर लो होता है और उसको अपलिफ्ट करने में एक सरफेस लेवल में पहुंचाने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है दैट इज अवर लिफ्ट इरिगेशन 3। ओके, सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, मैं इरिगेशन का पूरी की पूरी आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग पूरी आपके सामने लाऊंगा, वहां पे जितने भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जितनी भी है वो सारी मैं आपके सामने लाऊंगा। और जुड़े रहें हमारे साथ, इजी टू लीव, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।